निर्गमन अध्याय 25। निर्गमन अध्याय 25। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइयों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। 1 करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना, और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षीपत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करबों के बीच में से जो साक्षीपत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे, वे कड़े पटरी के पास ही हो, और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना, और मेज उन्हीं से उठाई जाए, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए, उसके पुष्पकोष, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और
उसकी अलंगों से छह डालियां निकले, तीन डालियां तो दीवट की एक अलंग से और तीन डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान तीन तीन पुष्पकोष, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई छहों डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान चार पुष्प कोण अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दीवट से निकलती हुई छहों डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो, उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और सात दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उसके नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है।